हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लक्ष्य की। जी हां, बीजेपी का लक्ष्य है 75+। बीजेपी की ओर से ये लक्ष्य ऐसे ही नहीं रखा गया, इसके पीछे वजह बताई गई है मौजूदा सरकार की उपलब्धियां और लोगों का आशीर्वाद। जी हां, मनोहर सरकार के मंत्री हों या फिर उम्मीदवार, सब यही दावा कर रहे हैं कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार के कामों से खुश है और विधानसभा चुनाव में 75 पार का लक्ष्य हकीकत साबित होगा। लेकिन दूसरी ओर आए दिन प्रदेश में होने वाली हड़ताल और विरोध प्रदर्शन सरकार के दावों को खोखला और 75+ के लक्ष्य के रास्ते में बाधा डाल रही है। वो 75 तक रुकेगी या 75+ की जो बात है, जो अपने जनता के जिम्मे छोड़ा है, वो प्लस वाले विषय जनता आगे कहां तक लेके जाती है। तो सुना आपने, विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी किस तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है और सूबे के सीएम 75 पार के लक्ष्य को पाने का दावा कर रहे हैं। सीएम हो या उनके कैबिनेट के मंत्री या फिर हो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, सभी यही राग अलाप रहे हैं कि मनोहर सरकार ने जो काम किया है उसका आशीर्वाद उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलेगा और बीजेपी 75+ के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लिए कार्य किया है और हर वर्ग बीजेपी सरकार के काम से काफी खुश है। और जरा ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो सरकार के इन दावों को खोखला साबित कर रही हैं। जी हाँ, प्रदेश के गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, आशा वर्कर्स, रोडवेज कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी, इन सभी का यही कहना है कि सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की है। कई कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। अब ताजा मामला गन्नौर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का ही लीजिए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिसके बाद उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। अपनी मांग को बुलंद करने के लिए कर्मचारी नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर पालिका के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से सफाई कर्मचारी नगर पालिका अधिकारियों से वेतन देने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनको आज तक वेतन नहीं दिया गया। मेरी तनख्वाह रुक गई, चौथा महीना लग गया, गरीब आदमी के खाओगे। इस मजबूरी में हमने काम छोड़ हड़ताल कर दी, जो इसमें भी नहीं मिली राम भूख हड़ताल वो उतर जाएंगे फिर। आपने तनख्वाह के लिए किस किस को मांग की है, किस किस को? SDM को भी दे दी, DC को भी पहुंचा दी, सारे लोग पहुंचा दिए। अब जरा आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिस प्रदेश के मुखिया ये दावे कर रहे हो कि उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों के लिए काम किया है और यही वर्ग उन्हें विधानसभा चुनाव में 75+ के लक्ष्य को हासिल करने में अपना आशीर्वाद देगा, तो क्या ये दावा हकीकत साबित हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।